तो उन्होंने बताए कभी फाता पार, ठीक है ना, अच्छे तरह से याद रखना और सब दोस्तों को भी बता देना, ठीक है ना, सारे दोस्तों को भी कथा सुनना, पड़ोसियों को, पड़ोसियों को सबको कथा सुनाना, क्या कथा सुनना और सबको जाकर सुनाना, भजन करो, भक्ति करो, ठीक है ना। बोले जब प्रश्न किया जाए कौन सा नाम को जप करनी चाहिए, तब शंकर जी कहते पार्वती आराधना नाम सर्वेशा विष्णु, फल ज्यादा मिलेगा, राम राम तिरमति रम रमि मन रमि सहस्र नाम दुर्लभ श्री राम नाम बराज। बोले हे सुंदरी पार्वती, जो व्यक्ति 1000 विष्णु का नाम लेता है उसको जो फल मिलेगा, अगर एक बार प्रभु राम का नाम ले ले तो उसको कोई फल नहीं, एक राम नाम समान 1000 विष्णु का। बोले प्रभु कहते राम का नाम जब करूंगा। बोले हाँ पार्वती, लाभ उससे ज्यादा मिले। बोले कौन सा नाम है, भले सहस्त्र नाम नाम क्या नाम, तेरा विद्वाद जत फलम एक विद्वाद कृष्ण से नाम प्रजक्ष। पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम को कोई 3 बार करे, 3000 विष्णु सहस्त्र नाम करना उसको जब फल मिलेगा, 1 बार बोले कृष्ण नाम को ही फल मिलेगा। पार्वती कृष्ण पूर्ण पूर्ण ब्रह्म ही कृष्ण और सारे अवतार का पूर्ण कृष्ण है, इसलिए कृष्ण सारे सब भगवान कृष्ण। बोले प्रभु कहते कृष्ण नाम करो। बोले हाँ पार्वती, कृष्ण नाम बड़ा मीठा नाम, मैया पार्वती तब से कृष्ण का नाम लेते, जब उस दिन लेने लग गई फिर संकट भी बोले फिर घर आओ। बोले और एक सरल नाम बताओ जो कब परिश्रम में ज्यादा फल मिले। बोले प्रभु आप ही तो बता रहे थे कृष्ण सोलह कला में परिपूर्ण, सारे अवतार कृष्ण से आते हैं, कृष्ण ही मूल वाला राधा राधा नाम ले। पर पार्वती इसमें भी रहस्य, बोले फिर क्या रहस्य, फिर क्या रहस्य, बोले ना राधे राधे राम से ले पाएंगे भी आ रहे, अगर राधा जी का नाम होगा ना राधा रानी नहीं आएंगे वहां पर बिहार की आएंगे। बोले फिर प्रभु, बोले अगर तो बिहारी की बोलोगे ना फिर वहां पर राधा रानी आएगी, इसलिए बोले आप तो बड़े कठपुज में मतलब राधे राधे बोलना कृष्ण कृष्ण बोलो। पार्वती राधा जी का नाम लेने से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम लेने से राधा रानी खुश होती है। बोले बताओ कौन सा नाम था, बोले जुगल नाम, दोनों का नाम लो। बोले कैसे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 दोनों का नाम लेनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर प्रश्न करते हैं कि जो भगवान की जो नाम है उसको माला से करने का क्या जरूरत है, ध्यान दीजिए। उन्होंने प्रश्न किया कि नाम कैसे करनी चाहिए, बोले माला में करनी चाहिए। बोले कौन सा माला में करनी चाहिए, बोले तुलसी माला, किसमें करनी चाहिए, तुलसी माला, तुलसी माला में क्यों करें। बोले देखो एक वस्तु शक्ति होता है, वस्तु शक्ति है, जो तुलसी है ना ये साधारण कोई वृद्ध नहीं, ये बोलो वृद्धावन से स्वयं वृद्धा देवी कृपा कर।